पाला वाला पत्ता रोस्ते होता है और टूटे दाने भी मैंने बताया कि ये होता है। तो ये 6% का कलम है। नमी की बात करें तो इसमें चने में 14% कलम है, गेहूं में 12 था, चने में 14% तक कलम। अब बात मसूर की करें, मसूर को मैंने ख्याल से चले गया होगा जहाँ जहाँ रही है वहाँ सब नहीं है। आपके यहाँ कहाँ होती है? आपके यहाँ भी किसी के बिना होते काला पीपल जैसे काला पीपल। तो देखिए ये आसक्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पैदा हो वही है, कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर भी आ सकती है, ऐसी दूसरे उससे भी आ सकती है। और आपके जो जेबीएस गोडाउन है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उपार्जन का ही माल रखें, ये उपार्जन का ही अनाज रखें। ये पीडीएस का जो कंट्रोल पे जो वितरित होता है, कभी कभी आपके गोडाउन में उसका काम भी लेआउट दे देता है कि आपके गोडाउन से शक्कर गेहूँ चावल नमक ये भी बटेगा तो रखना तो पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है। और उसके देखिए 2% हो जाता है, मिट्टी कूड़ा करके लिए 2% कहला हुए मसूर में। इसमें दूसरा इतना छोटा दाना होता है, इसमें ऑफिस मिल नहीं पाता है। तो ये और ये आपके छठी दस दाना, इसमें 3% तक कहला हुए। इसके अलावा आंशिक छठी दस दाना, इसमें 4% तक कहला हुए। कारण ये है कि ये मसूर हुआ, मूंग हुआ, ये बड़े सेंसिटिव ग्रेन होते हैं। थोड़ा सा भी पानी के उसमें आए तो इनका छिलका निकल जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मसूर में भी यही होता है, मूंग में भी यही होता है। यहाँ जिसके हम मूंग रखें वो हल्का सा कहीं बल्कि थोड़ी सी नमी ज़्यादा आई तो छिलका निकल जाता है। तो इसमें ये आपका 4% हुआ, इसमें 3% भी आपके सूखे और टूटे जाने के अलावा हुए, नमी की मात्रा इसमें 12%। अब सरसों की बात करें, सरसों